हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम कच्चे केले की सब्जी बनाएंगे। उसमें एक गिलास पानी डालकर कुकर को बंद कर देंगे। एक सीटी आने तक का इंतजार करेंगे। एक सीटी आ चुकी है, अब गैस बंद कर देंगे और इसे साइड से ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें दो टमाटर, इसे हम काट लेंगे। हरी मिर्च, इसे भी हम काट लेंगे। और एक बड़ा साइज का अदरक काटकर इसमें डाल लेंगे। अब इन सारी चीजों को अच्छे से पीस लेंगे। कच्चे केले उबल चुके हैं, टमाटर भी मिस चुके हैं। अब हम सब्जी बना लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और टमाटर प्यूरी डालकर मिला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसमें कोई तीखापन तो नहीं होता, ये सिर्फ अच्छे कलर के लिए डाला जाता है, और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालकर मिला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच किचन किंग मसाला डालकर मिला लेंगे। जब तेल सतह पे आने लगे तब इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और मिला लेंगे। अब सारे मसाले और प्यूरी को अच्छे से उबलने देंगे। जब तक ये उबल रहा है तब तक हम केलों को देख लेते हैं। देखिए केलों का कलर चेंज हो चुका है, इसका मतलब ये अच्छे से उबल चुके हैं। अब हम इसको छीलकर काट लेंगे।
केले कट चुके हैं, अब हम सब्जी को देख लेते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब हम सारे कटे हुए केले को मसालों में डाल लेंगे और अच्छे तरीके से मिला लेंगे। केले डालने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। मिनट हो चुकी हैं। ध्यान रहे हम सब्जी को ज्यादा पतला नहीं बनाएंगे, इसे थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे। अब इसमें कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। और गैस को बंद कर देंगे। इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। केले की सब्जी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे रोटी, पराठा या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।